हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, अभी सुबह का ना 8 बज चुके हैं और आज ना गांव में बारिश हो रहे हैं और हम ना देखो कहां पर आए हैं। तो ये ना घर है एलिवेस्टर और इधर देखो गोईठा। तो गोईठा को ना नीचे उतार रहे हैं क्योंकि बारिश, देखो मेघ पूरा लगा हुआ है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। देखो है नहीं है ना, बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो एक बार ना इसको इस पे डालो ताकि ये सूख जाए अच्छे से। और अभी बारिश हो रहा है ना, तो इसको नीचे उतार रहे हैं घर में रखने के लिए। चलो, और ये ना दोस्तों चिकना मौसरी जो होता है ना वो, ये देखो ये चिकना है, चिकना मौसरी, खेसारी, ये सब का दाल है। ये इसी पे रहेगा। चलो हम नीचे जा रहे हैं, देखो नीचे। ये ना बांस का सीढ़ी है दोस्तों। गांव में बारिश होता है तो देखो कितना परेशानी होता है। देखो दोस्तों, बारिश हो रहा है, पूरा अंधेरा लग रहा है। ये देखो पूरा आंगन ना भीग गए हैं पानी से। और साइकिल देखो हम कहाँ रख दिए हैं। चलो, तो ये देखो गांव में जब बारिश होता है ना तो सबसे पहले जलावन को ना रखना पड़ता है अच्छे से, ताकि वो भीग जाएगा ना तो फिर खाना बनाने में ना दिक्कत होगा। तो सुनीता गई थी बांध पर और ये जलावन लाने के लिए। ये देखो बारिश भी ना, पता नहीं। दादी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, फेरो से दही। गुड मॉर्निंग, सबका आशीर्वाद। हाँ, सब खुश रहू। सब खुश रहू। हाँ, हमारा पति का काज रोजगार झापदा। हाँ, बारिश हो रहा है आज। बारिश हो है। हाँ, रोजगार देवे तब ना शादी ब्याह। अच्छा, तो इधर देखो दो चिलिया पर ना खाना बन रहे हैं और वो ना गाय के लिए खिचड़ी है और इसमें ना वही कच्चा खेसारी का जो दाल है ना वही है। छौका बनाएंगे क्योंकि आज ना घर में खाना बना रहे हैं। और इधर देखो जलावन सब ना पूरा पैक करके रख दिए हैं क्योंकि बारिश हो रहा था ना, तो इसलिए सबसे पहले तो जलावन का मतलब इंतजाम करना पड़ता है और उसको अच्छे से रखना पड़ता है। और बाढ़ ना, बारिश भी हो रहा है बहुत तेज। ये देखो दोस्तों कितना बारिश हो रहा है, पानी भी लग गया हमारे आंगन में। इधर देखो साग ना काट रही है, इस साग को ना भूजेंगे, पानी नहीं डालेंगे। तो अब बारिश ना छूट गया और धूप निकल गए हैं। आंगन में जो पानी लग गया था ना, तो माँ ना उसी पानी को ना द्वार पर बहा रहे हैं ताकि धूप निकल गया ना तो फिर सूख भी जाएगा ना। और आंगन में ना उधर साइड ना पानी लग जाते हैं तो माँ वो द्वार पर निकाल रहे हैं पानी को। और इधर हमारा खाना ना अभी तक बना नहीं। अब ना इसमें है दोस्तों चावल, देखो कितना बड़ा हंडी है, इसको हम लोग हंडी बोलते हैं। और आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में ज़रूर बताना। और इसमें ना साग है कढ़ाई में। चलो, धुआं हो जाता है यार। तो पानी ना पूरा गर्म हो गया है तो सुनीता इधर ना चावल लगा रही है और साग भी हो गया है। तो बस अब चावल लगा लेते हैं और इसके बाद ना खेसारी का जो छौका है ना उसमें तड़का लगाना है। तो दोस्तों ये देखो, ये ना वही कच्चा खेसारी का दाल है। तो इसको ना पीस देते हैं सिल्वर पर और फिर ये वाला पानी में ना मिक्स करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा है ही और ये थोड़ा सा है पीसने के लिए। ये देखो अब इसमें ना तड़का लगाना है। सुनीता इधर चावल लगा दिए है और धूप देखो कितना निकल गया, बहुत तेज धूप निकल गया। ये देखो दोस्तों खाना बन गया, अब मिल गया छुट्टी। अब ना दोपहर में ना करीब 2 घंटा सोएंगे और इसके बाद आज मार्केट जाना है। ये फूल देखो दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन ये ना फूल नहीं है और ये ना मतलब जलावन है, लेकिन इसका फूल देखो कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। ये देखो मस्त लग रहा है। मैं कपड़ा लेने आई हूँ और बस पसंद कर रही हूँ अभी, अब देखते हैं कौन सा पसंद होता है। और वैसे आप लोग बताओ कि कौन सा लूँ।
जल के लिए कपड़ा तो ले लिया है, लेकिन मार्केट में ना रात हो गया, घर पे जाते समय में कपड़ा दिखाना थोड़ा। ये देखो दोस्तों, इसमें ना किंजल के लिए कपड़ा है, और यहाँ पर ना फिलहाल में ना चश्मा ले रहे हैं किंजल के लिए। और ये रहा मार्केट, लेकिन रात हो गया जल्दी। दोस्तों ये है मनिहारा का दुकान, और यहाँ पर आए हैं कुछ सामान लेने, और दुकान बहुत ही बड़ा है, और हर एक मनिहारा का जितना भी सामान होता है शादी ब्याह का हर मिलता है यहाँ पर सब कुछ। तो चलो सामान तो ले लिए हैं, और बस अब घर पे जाना है। तो इसको ना दाल बनाएंगे, वो छौका, ये देखो खेसारी ये वाला, इसको ना ऐसे करके निकाल लेंगे। अभी वैसे रात है तो वीडियो तो उतना फ्रेश आ रहा है ना, ये देखो यही छुड़ाते हैं, एक एक करके सारे में से ना बिछना पड़ेगा। ये देखो कितना है, इसमें रखते हैं, इतना हो जाएगा ना तो हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है खाने में इसका छौका। चलो एक एक करके छोड़ाना पड़ेगा। तो आज ना बनाए हैं ये ना वो पक्का चावल जो रहता है ना, तो उसी का ये चावल को पहले उला लिए हैं, और इसके बाद पिसा कर और रोटी बनाए हैं, क्योंकि पक्का चावल का रोटी खाने में ना बहुत अच्छा लगता है। और उसमें ना बैंगन का चटनी यानी बैंगन का चोखा और ये रोटी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलो अभी एक, अभी तो बस एक ही बना है, और लगभग ना 5 आदमी है ना, तो 6-7 रोटी बनाना पड़ेगा, तब जाके हो जाएगा सबको। तो चलो आप सब खाए हो पक्का चावल का आटा का रोटी, तो कमेंट करके जरूर बताना। देखो पूरा खेसारी छुरा के रख दिए, खेसारी दिखा देने कितना हुआ वो देखो, बस बोली ना। तो दोस्तों ये देखो कच्चा खेसारी का जो छिम्मी होता है ना, तो ये ना छुरा लिया है, पूरा एक बाटी हो गया। तो इसको ना कल बनाएंगे दाल, इसको क्या बोलते हैं, छौका, छौका। और उस इसका छिम्मा छिम्मी थी ना, छिम्मी ना उधर है छुरा के जो रखे है वो देखो इतना सारा खेसारी का ना, खेसारी साग भी होता है, खेसारी दाल भी होता है, और खेसारी का छौका भी होता है, लेकिन ये ना बहुत पसंद है, और खेसारी का साग भी। चलो कल बनाएंगे इसको। तो दोस्तों ये देखो, ये ना पक्का चावल का आटा है, और माँ देखो इधर कैसे बना रही है, हमें आता नहीं है नमक। हाँ ये देखो, ये करना आता ही नहीं है हमें, देखो बस खाने में अच्छा लगता है। और आप सब खाए हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि माँ। ये देखो दोस्तों, रात है अभी, रात को बनाए हैं बैगन का चटनी, सॉरी बैगन का चोखा। ये देखो दोस्तों, देखो कितना बड़ा हो गया, एक रोटी खाएंगे तो पेट भर जाएगा। सुनीता का पेट नहीं भरेगा, सुनीता का पेट भरा है, देखो पूरा जितना बड़ा तावा उतना बड़ा रोटी।